बात करते हैं सिद्धार्थनगर की, जहां पर गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। यहां से दो समुदायों के बीच तनावपूर्ण माहौल बन गया और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो हिंदू पक्ष पथराव करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग करने लगा। यूपी के सिद्धार्थनगर में भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान दो समुदाय आमने सामने आ गए। दरअसल शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में गणेश की प्रतिमा विसर्जित करने के लिए जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप है कि मारवाड़ी चौराहे पर वार्ड नंबर 11 के पास दूसरे समुदाय के लोगों ने जुलूस पर पत्थर फेंके। इसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पत्थरबाजी की जानकारी मिलते ही हिंदू समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। इस बीच भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा, नारेबाजी तेज हो गई। वीडियो में देख सकते हैं कि इलाके में काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पत्थरबाजी से नाराज हिंदू समुदाय के लोग जुलूस आगे न ले जाने पर अड़ गए। भारी संख्या में मौजूद हिंदू समुदाय दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगा। बाद में पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर आगे बढ़ाया। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लोगों पर नजर रखी जा रही है और संदिग्धों की पहचान की जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 757 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे और 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद सीएम योगी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होंगे, जहां वो 10,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और इसके साथ ही सीएम योगी 632 लाभार्थियों को 327 करोड़ से ज्यादा का लोन भी देंगे। सीएम के दौरे के दौरान गाजियाबाद में लोन बांटने का भी कार्यक्रम किया जाएगा, जहां 6,000 से ज्यादा युवाओं को टैबलेट भी बांटे जाएंगे। बिहार के गया में पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो गई है, जहां पितृपक्ष के मौके पर हर दिन 10,000 श्रद्धालुओं को सरकार की ओर से गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस साल 2 अक्टूबर तक देश विदेश से 20 लाख तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है। देश विदेश के तीर्थयात्री यहां हर साल अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए आते हैं। वहीं इस बार राज्य सरकार की ओर से एक अच्छी पहल की गई है। सरकार की ओर से गया आने वाले तीर्थयात्रियों को यहां से जाते समय गंगा जल दिया जाएगा। पितृपक्ष मेले के दौरान श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र के कई स्टॉल से मुफ्त में गंगा जल मिलेगा। बिलासपुर में 12 वफात जुलूस के दौरान एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई है। जुलूस के दौरान खास समुदाय के लोगों ने फलस्तीन का झंडा भी लहराया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वहीं घटना सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और मामले की पुलिस अधीक्षक से शिकायत भी की है। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी कल 12 वफात जुलूस में फलस्तीन का नारा लगाया गया था और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देश भर के कई राज्यों में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके कारण कई गांवों में डायरिया फैल गया। छत्तीसगढ़ के बालोद में डायरिया फैलने से 55 लोग बीमार हो गए, जिसके बाद गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर मरीजों का इलाज कराया। वहीं मध्य प्रदेश के सीधी में भी डायरिया फैलने से कई लोगों की तबीयत खराब है। पिछले 72 घंटों में 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप लगाकर मरीजों का इलाज कर रहा है। कई मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के खूंटी में एक जंगली हाथी का आतंक देखने को मिला है, जहां खेत की रखवाली कर रहे किसान पर जंगली हाथी ने हमला कर दिया और पटक पटक कर किसान की हत्या कर दी। जंगली हाथियों ने कई खेतों में लगे धान की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है और उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है। तो वहीं पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन ने 20,000 रुपए की सहायता राशि भी दी है। जी न्यूज़।